हाजी अनायत अली ने पीडीपी में शारगोल ब्लॉक से 23 पंच और एक सरपंच का इस्तकबाल किया। शेड्यूल के नए इंतखाबी 23 पंच और एक सरपंच आज पीडीपी में सीनियर पीडीपी रहनुमा और चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल हाजी अनायत अली के मौजूदगी में शामिल हुए। इस मौके पर काउंसिलर शरगोल मोहम्मद अली चंदन, सदर पीडीपी कारगिल काचो गुलजार हुसैन, सदर यूथ विंग पीडीपी असदुल्ला मुंशी, नायब सदर पीडीपी कारगिल और नुरबू ब्लॉक सदर शरगोल और पब्लिक सेक्रेटरी पीडीपी यूथ विंग कारगिल भी मौजूद थे। इस दौरान हाजी अनायत अली ने नए मुंतखब करदा पंच और सरपंचों का इस्तकबाल किया और कहा, कारगिल में मजमूई जट के सतह पर लोगों के लिए काम करने का ख्याल अब मरहूम रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद सईद का ख्वाब साबित हो गया, क्योंकि पीडीपी मकबूलियत और कामयाबी हासिल कर रहा है। कारगिल में आवाम के दरमियान कारगिल में पीडीपी के लोगों के दवासना पॉलिसी और नक्त नज़र के हालात में इख्तिताम शुदा पंचायत के इंतखाबात में ऐसी कामयाबी का वाहिद सबब है। इस दौरान मोहम्मद अली चंदन ने चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल हाजी अनायत अली को तरक्की के लिहाज से एक नए सतह पर लेकर रवायती जमातों के लोगों के लिए एक मुतबादिल फराहम करने और इनके तरक्की के फरोग देने और इंसानी सतह पर काम करने के लिए खास तौर पर कार्रवाई के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि हाजी अनायत अली ने पीडीपी कारगिल में ऐसी बड़ी ऊंचाई ले ली है जहाँ पार्टी मौजूद नहीं थे। मुजम्मिल मुस्तफा, लद्दाख टाइम्स। मोर एंड मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लद्दाख टाइम्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट।